हाय दोस्तों, मैं मिलन एंड आप देख रहे हैं टेक इश्यू। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 5 फोन्स अंडर 7000। अगर 7000 के अंदर आपको कोई फ़ोन लेने हैं तो कौन कौन से फ़ोन ले सकते हैं और उसके जो टॉप 5 फ़ोन हैं वो कौन से हैं वो मैं आज बताने वाला हूँ। जो सबसे पहले आप बताने वाला हूँ वो है पाँचवा क्रम, उससे जाके मैं पहला क्रम तक बताने वाला हूँ। तो देखने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले लेके आता रहता हूँ। सबसे पहले पांचवें क्रम पे आता है नोकिया का 2.2, जो थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था। ये एक एंट्री लेवल फ़ोन है नोकिया की तरफ से। जहाँ पे मैं बात करूँ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले यहाँ पे मिलेगी 5.71 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, जो LCD डिस्प्ले मिलेगी। और डिस्प्ले में जो रिजोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा आपको HD+। यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको Full HD+ डिस्प्ले मिल सके, यहाँ पर मिलेगी आपको HD+ डिस्प्ले। इसी फ़ोन में मैं कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर सिंगल मॉड्यूल कैमरा दिया गया है रियर में, और फ्रंट में भी एक कैमरा दिया गया है। फोन लुक में एवरेज लगता है। और यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ फ़ोन पे, तो लगा है हीलियो P22 प्रोसेसर, जो ज़्यादातर एंट्री लेवल फ़ोन में देखने को मिलता है, जो बहुत ही फेमस प्रोसेसर है। यहाँ पे भी मैं बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादातर फ़ोन पे जो टॉप 5 फ़ोन है उसमें भी ज़्यादातर फ़ोन में हीलियो का P22 प्रोसेसर ही लगाया गया है। तो दोस्तों, ये एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है। अगर आपको लेना है नोकिया का ब्रांडिंग और नोकिया फ़ोन तो ये आप ले सकते हैं। और आते हैं प्राइस की ओर, तो प्राइस है नोकिया फ़ोन की 6999। लेकिन यहाँ पे एक डिसअपॉइंटिंग बात है, यहाँ पे कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा और ज़्यादातर फ़ोन में नहीं मिलता इस सेगमेंट के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर। लेकिन 5 में से एक फ़ोन ऐसा है जहाँ पर आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट स्कैनर। और दोस्तों, मैं ये बता दूँ, सभी पांचों फ़ोन जो है उसके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिए हैं। अगर आपको परचेज करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे प्रेस करके सीधी साइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। अब आता है चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आता है सैमसंग का ब्रांड, सैमसंग का M10 डिवाइस। चौथे नंबर पे आता है सैमसंग का ब्रांड, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है M10 सीरीज का फ़ोन। M10 फ़ोन है, वो एक एंट्री लेवल फ़ोन है सैमसंग की तरफ से, जहाँ पे आपको अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.22 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, वो भी HD+ ही डिस्प्ले मिलेगी यहाँ पे। और इस फ़ोन के अंदर भी कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया है, लेकिन फेस अनलॉक जरूर मिलेगा। और दूसरी में बात करो तो यहाँ पे सैमसंग का इन हाउस प्रोसेसर लगा है Exynos 7870। यहाँ पे 2GB की रैम मिलेगी, 16GB का स्टोरेज मिलेगा, 3400mAh की बैटरी मिल जाएगी। ओवरऑल फ़ोन की डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच भी मिल जाएगी और बैक में भी कैमरा मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है ये अच्छी है सैमसंग की नई डिज़ाइन, लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़ा कम है हीलियो P22 प्रोसेसर से। दूसरी में बात करूँ तो इसी फ़ोन की जो प्राइस है वो 6999 ही है, यानी ये सभी फ़ोन के साथ ही कम्पीट करेगा। और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। और अभी सैमसंग ने मार्केट को बहुत ही कॉम्पिटिटिव बना दिया है सभी सेगमेंट के अंदर, एम सीरीज़ और ए सीरीज़ फ़ोन लॉन्च करके बहुत ही मार्केट जो है कॉम्पिटिटिव बना दी है। अगर आप सैमसंग ब्रांड के शौकीन हैं और सैमसंग ब्रांड ही चाहिए तो ये फ़ोन आप एंट्री लेवल में ज़रूर खरीद सकते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आए तो रेडमी का 7 है। रेडमी तो सभी जानते ही है, रेडमी ने इंडिया में 30% मार्केट कैप्चर कर रखा है और बहुत सारी ब्रांड को कॉम्पिटिशन दे दिया है। तो यहाँ पर रेडमी का 7 जो डिवाइस है वो एंट्री लेवल डिवाइस है, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। वहाँ पे मिलेगी आपको डिस्प्ले 5.45 इंच की, यहाँ पे भी HD+ ही डिस्प्ले मिल जाएगी। और यहाँ पे रैम मिलेगी 2GB और 16GB के स्टोरेज मिलेगा और 4000mAh की बैटरी मिल जाएगी। लेकिन जो फ़ोन की डिज़ाइन है वो काफ़ी पुरानी दी गई है, यहाँ पे बेजल्स वाली डिज़ाइन दी गई, चिन भी बढ़ा दिया है, पीछे सिंगल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है और यहाँ पे भी फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नहीं मिलेगा, यानी कोई यहाँ पे बायोमेट्रिक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी फ़ोन के अंदर। तो ये जो फ़ोन है ओवरऑल एवरेज है। लेकिन मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के अंदर, तो यहाँ पे लगा है स्नैपड्रैगन का 439 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा है और हीलियो P22 को भी बहुत ही कॉम्पिटिशन देता है। परफॉर्मेंस के बारे में ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, रेडमी डिवाइस आप जानते हैं हार्डवेयर बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन डिज़ाइन के मामले में थोड़ा पीछे रहता है, क्योंकि जो मैं पहले नंबर की डिवाइस बताने वाला हूं वो सभी में बहुत ही टासू फोन बनाया गया है। तो दोस्तों, यहां तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले लेके आता रहता हूं। और यहां पे मैं बता दूं, रेडमी 7 की जो प्राइस है वो बाकी सब फोन से 1000 कम है, यानी मैंने पहले दो फोन बताया उससे 1000 कम। यहां पे जो रेडमी 7 की प्राइस है वो 5990 है, यानी 1000 कम, और अभी उसमें ₹200 का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो वहां से आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है इन्फिनिक्स का फ़ोन, जो हांगकांग से बिलोंग करती है कंपनी। उसके इंडिया में भी बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो फ्लिपकार्ट के अंदर आपको मिलते हैं।
तो दूसरा नंबर का फोन है Infinix Smart 3 Plus, जो एक एंट्री लेवल फोन है जहाँ पे मिलेगी आपको 6.21 इंच की डिस्प्ले। और यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रोसेसर मिलेगा हेलियो का P22 प्रोसेसर भी यहाँ पे मिलेगा, 2GB रैम मिलेगी और 32GB का स्टोरेज भी मिल जाएगा, जो बड़ा है इस सेगमेंट के अंदर। और यहाँ पे एक बात करें तो डिजाइन भी काफी अच्छी है और बैक में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। 5 फोन में एक ही फोन ऐसा है जहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। और दूसरा यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेंसर भी मिलता है, जो इस सेगमेंट में किसी भी फोन में शायद नहीं है। अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा फोन है। यहाँ पे डिस्प्ले भी काफी बड़ी दी गई है 6.21 इंच की, तो ओवरऑल फोन की डिजाइन अच्छी है, लेकिन Infinix ब्रांड कैसी है वो पता नहीं है। तो भी फोन अच्छा है, इसकी जो प्राइस है वो 6,999 है, ये 7,000 के बजट में मिल जाएगा आपको ये फोन। अब आता है पहले नंबर का फोन। पहले नंबर का फोन कौन सा रहेगा आप गेस कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बता सकते हैं। तो पहले नंबर का फोन आता है कौन सा आएगा, पहले नंबर का फोन आता है Realme C2, जो बहुत ही फेमस है, बहुत ही चल रहा है, सेल में भी नहीं मिलता है ये फोन, बहुत ही जल्दी बिक्री हो जाती है इस फोन की। इस फोन की डिस्प्ले भी बड़ी दी गई है, 6.1 इंच की डिस्प्ले दी गई है, HD प्लस डिस्प्ले ही मिलेगी यहाँ पे, लेकिन बायोमेट्रिक सेंसर तो नहीं है, यानी फिंगरप्रिंट सेंसर तो इसमें भी नहीं है। लेकिन बहुत ही अच्छा फोन बनाया है, डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छी है, वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगी, बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप भी मिल जाएगा और ग्रेडियंट बैक मिलेगा, यानी टेक्सचर जो ब्लैक मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन दी गई है इसके अंदर, तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं ज़रूर। और यहाँ पे 4000mAh की बैटरी भी मिलेगी और डिस्प्ले के अंदर गोरिल्ला ग्लास भी मिलेगा। बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी ये फ़ोन के अंदर, और एंड्रॉयड 9 पाई पे चलता है और यहाँ पे भी हीलियो का P22 प्रोसेसर मिलता है। तो ओवरऑल फ़ोन बहुत ही अच्छा है। और जो फ़ोन की जो प्राइस है वो मैं बता दूँ, फ़ोन की प्राइस है 6,999, यानी जो फ़ोन है बहुत ही टासू बनाया है इस बजट के अंदर, तो आप ले सकते हैं। दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस क्रम के बारे में, 1 से 5 जो मैंने टॉप 5 फोन्स बताया इस सेगमेंट के अंदर, तो आप क्या सोचते हैं इस सभी फोन्स के बारे में? अगर मैंने सही नहीं बताया तो मुझे कमेंट सेक्शन में नया क्रम भी बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने तो बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।